ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर हाल ही में जो बयान दिया है उस पर हंगामा मचा हुआ है। खामेनेई की ओर से दिए गए इस बयान पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है कि ईरानी लीडर का बयान अस्वीकार्य है। दरअसल सोमवार को खामेनेई ने आरोप लगाया कि भारत के साथ साथ गाजा और म्यांमार में मुसलमान पीड़ित हैं। भारत ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां गलत सूचना पर आधारित हैं और इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ईरानी नेता ने सोमवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा कि हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते। अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर मुसलमानों द्वारा झेली जा रही पीड़ा के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। सोमवार को ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर खामेनेई के बयान को अस्वीकार्य बताते हुए इसे खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये आरोप गलत जानकारी पर आधारित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को दूसरों के बारे में कुछ भी कहने से पहले अपने रिकॉर्ड देखने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ईरान के सर्वोच्च नेता के भारत में अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वो दूसरों के बारे में कोई भी गलत बयानबाजी करने से पहले अपना रिकॉर्ड चेक करें, अपने रिकॉर्ड को देखें। दरअसल खामेनेई ने सोमवार को तेहरान में मौलवियों की एक सभा को संबोधित करते हुए गाजा, म्यांमार और भारत में मुसलमानों की पीड़ा के बारे में बात की थी। उन्होंने एक्स पर कहा कि हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते हैं। अगर हम म्यांमार, गाजा और भारत या फिर किसी अन्य स्थान पर किसी मुसलमान द्वारा झेली जा रही पीड़ा से अनजान हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान को आईना दिखाते हुए कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार, इस तरह की टिप्पणी करने वाले देशों को कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड की जांच कर लेनी चाहिए। बता दें कि भारत के अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले शिया बहुल ईरान का सुन्नी मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लेकर रिकॉर्ड बेहद ही खराब रहा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब आलोचना भी होती आई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और अमेरिका ईरान को हमेशा निशाने पर लेते रहे हैं। ईरानी सरकार के मुताबिक देश की कुल आबादी में 99.4% मुस्लिम हैं, जिनमें से 90-95% शिया हैं और 5-10% सुन्नी मुसलमान हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि सुन्नी मुस्लिम, बहाई, ईसाई, गोनाबाड़ी, दरवेश, यहूदी और यारिसन समेत धार्मिक अल्पसंख्यकों को कानून में भेदभाव का सामना करना पड़ा है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, बच्चों को गोद लेने, राजनीतिक कार्यालयों और धार्मिक स्थलों तक पहुँच शामिल करना है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सैकड़ों लोगों को अपने धर्म को मानने या फिर उसका पालन करने के लिए मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है। उनके खिलाफ अन्यायपूर्ण तरीके से मुकदमा चलाया गया है, उन्हें यातना दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान में जो नास्तिकता अपनाते हैं उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने और धर्मत्याग के लिए मौत की सजा दिए जाने का भी खतरा रहता है। मानवाधिकार के मामले में खासकर सुन्नी मुसलमानों, जातीय अल्पसंख्यकों और साथ ही साथ महिलाओं के संबंध में ईरान को हमेशा से आलोचना का सामना करना पड़ता है। धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में ईरान के अपने ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से सुप्रीम लीडर खामेनेई की टिप्पणियों की आलोचना हो रही है। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत की आबादी में आधा हिस्सा सुन्नी मुसलमानों का है। यहाँ के कस्बों और गांवों में बिजली पानी की कमी है, जिस पर ईरानी सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। अमेरिका स्थित थिंक टैंक द वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के फिक्रा फॉर्म की नवंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के धार्मिक विशेषज्ञों की सभा मजलिस खोबरेगन के लिए चुने गए 277 सदस्यों में से केवल 12 सदस्य सुन्नी है। ये सदस्य केवल ईरान के दो प्रांतों से आए हैं जहाँ सुन्नी आबादी बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 1980 में ईरानी संसद मजलिस की स्थापना के बाद से ईरान के निर्वाचित सांसदों में से केवल 6% सुन्नी है। सुन्नी सांसदों की जीत उन जिलों में हुई जहां की आबादी सुन्नी बहुल थी। सितंबर 2022 में सही तरीके से हिजाब ना पहनने को लेकर ईरान की पुलिस ने कुर्द सुन्नी महिला महसा अमीनी को हिरासत में भी ले लिया था। पुलिस हिरासत में उसकी मौत के बाद सिस्तान और बलूचिस्तान की राजधानी जाहिदान में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और जिसको देखते हुए पूरे देश में प्रदर्शन फैल गया था। ईरान में ईसाई धर्म अपनाने वालों को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें जेल की सजा के साथ साथ देश से ही निर्वासन जैसी सजा दे दी जाती है। इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ और भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।